नारायण नारायण, आज का विषय है कर्तव्य करें फिर जो होना है सो होने दें। संसार में और जीवन में दुख है, इसमें संदेह नहीं, किंतु इसमें 25% ही दुख बाहर से आता है। युद्ध, महंगाई, अकाल, डकैती, दरिद्रता आदि का दुख बाहर से आता है, किंतु 75% दुख अपने भीतर से निर्माण होता है। हम शरीर, मन और हृदयस्थ भगवान मिलकर बनते हैं। भगवान आनंद रूप है, इसलिए वह दुख निर्माण करेगा ही नहीं। देह का तत्व छीजना, क्षीण होना, असमर्थ होते जाना है, अतः वह अपने रास्ते से चलती है, किंतु अर्थात क्षण क्षण को गलती रहती है, इसलिए वह दुख निर्माण नहीं कर सकती। जो जड़ है वह सुख भी दे नहीं सकता और दुख भी, अतः बच गया अपना मन। किसी न किसी को चिपकना मन का स्वभाव धर्म है, अतः जिसे वह चिपकता है उसके गुणधर्म वह स्वीकारता है। भक्त का मन भगवान से चिपकता है, अतः इसके मन में दुख निर्माण नहीं हो सकता। जिसका मन देह को चिपकता है उसका मन दुख निर्माण करता होगा। भगवान से अलिप्तता और देह से एक रूपता, ये दोनों एक ही सिक्के के दो बाजुएं हैं। देह छोटी है, आकुंचित है, क्षणिक है, सीमित है, वह मैं ही हूँ, इस दृढ़ भावना से चारों तरफ द्वैत देखती है और उसी से भय का भूत पैदा होता है और वही जीव को सताती है। वास्तव में भगवान के नाम स्मरण में आनंद की मस्ती को लूटने के लिए पैदा हुआ मनुष्य भय के कारण चिंता और चिंता के कारण दुख निर्माण करता है। भगवान ने अपने संकल्प से संसार पैदा किया, उसी में जो घटनाएं घटने वाली होती हैं उनका ढांचा बना हुआ होता है। काल चक्र जैसे घूमता है वैसे घटनाएं साकार होती हैं, उसमें भगवान का भी हाथ होता है। उसे हम भूल गए तो हमारे मन में संभ्रम पैदा होता है और हमारी ही कल्पना भय निर्माण करती है। भगवान मुझे संभालने वाला है, यह वास्तवता है, क्योंकि भगवान ने ही यह संसार पैदा किया है। हम अंतःकरण से उसके नाम स्मरण में लीन हुए हों तो उससे हमें कैसी सहायता मिलती है, इसका अनुभव अपने आप आएगा। भगवान नाम स्वरूप है, इसलिए उसके नाम में रहने वाले का क्या होगा, इसका भय बचता ही नहीं। अपनी कोशिश से जितनी बातें हम कर पाएंगे उतनी करो, वे तो होती ही रहती हैं, प्रयत्न के कारण हमारा हाथ उसे लगता है इतना ही। हमारी इच्छा के अनुकूल बातें घटें, इसका मतलब यह है कि जो बातें होने वाली हैं उनमें मैं परिवर्तन करूं, परंतु उनमें कभी परिवर्तन नहीं किया जाता और हमें कभी आनंद भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कहना चाहता हूं कि राम के प्रति निष्ठा रखें। मेरा कर्तव्य मैंने किया है ना, वह करते समय मैंने अधर्म अनीति से व्यवहार नहीं किया है ना, अब जो होना है सो होने दें, क्यों चिंता करें। ऐसी वृत्ति से संसार में जो बरते वही सुखी होगा। नारायण नारायण।